कल दिनांक 12 मार्च को दहिसर पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर श्री ओम तोटावार और उनकी टीम को एक खबर मिली कि एक आदमी जो है नारकोटिक सब्सटेंस लेके आया है, तो उसको ट्रैप करके दहिसर टोल नाका के नज़दीक वहाँ उसको पकड़ में लिया और उसके पास 6 किलो 560 ग्राम का चरस बरामद किया है। उसकी कीमत है वो तकरीबन 1,95,18,000 रुपया है और उसको अरेस्ट किया, माननीय न्यायालय के सामने उसको हाजिर किया, तो उसको 17 मार्च तक पुलिस कस्टडी दी है और हम आगे का तपास जारी है। अभी तो प्राइमरी जानकारी यही है कि ये एक कानपुर से आया है और आगे भी कई लोगों को ये सप्लाई करने वाला था, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके पीछे कोई गैंग है क्या है? अभी तो एक ही पकड़ा गया है, और भी साथीदार इसके हो सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और हम तहकीकात कर रहे हैं। मुंबई में डिलीवरी किसको देने वाला था, इस तरह कोई जानकारी? हो सकता है हम लोग अभी वही यानी कि दिशा से तपास कर रहे हैं कि आगे जाके किस किस को ये सप्लाई करने वाला था, क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो हो सकता है कि नंबर ऑफ पर्संस होंगे। जो व्यापार है कानपुर से ही करते हैं, माल कानपुर से ही लाते हैं या फिर कहीं और से लाते हैं? नहीं, अभी तो प्राइमरी जानकारी है कि वहाँ से आया है। आरोपी कहाँ रहने वाला है, इसके क्या कुछ काम करता है? ये आरोपी जो है मुंबई का ही मालवनी का रहने वाला है।